हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बड़े दिनों बाद एक कुकिंग व्लॉग आ रहा है और आज का व्लॉग है कुकिंग है अभिषेक के तरफ से। तो आज अभिषेक हम लोगों को क्या बना के खिलाने वाले हैं? आज हम लोग बनाएंगे थोड़ा कम ऑयल कम मसालों में चिकन कीमा, जिसको हम लोग एक एक रोटी के साथ खाएंगे एज पर डाइट प्लान। हाँ एक्चुअली हम लोग डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जिम में जा रहे हैं तो थोड़ा अपने पास कुछ डाइट रेसिपीज है तो सोचा लेट्स ट्राई। तो अभिषेक चलिए आप बना के खिलाइए। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करने से पहले इंग्रेडिएंट्स, ये हैं दो अनियन चॉप किए हुए, 3 से 4 हरी मिर्च, कुछ खड़े सूखे मसाले, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर। और उसके अलावा फिर लिया है हमने 600 ग्राम्स मिन्स चिकन एंड धनिया पत्ता फॉर गार्निश। और सूखे मसाले में हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, जिंजर पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एंड चिकन मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन कीमा। और इसके अलावा ये है लहसुन का पेस्ट। क्योंकि ये थोड़ी सी डाइट रेसिपी है इसलिए हमने यूज़ की है ऑर्गेनिक घी फॉर कुकिंग। बताइए हमें, सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ले लिया, गैस पे चढ़ा लिया और गैस ऑन कर देते हैं हम लोग। और क्योंकि डाइट में रिफाइंड ऑयल अवॉइड ही करना है तो घी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये 600 ग्राम चिकन कीमा लिया है हमने, तो ये 600 ग्राम चिकन कीमा के लिए हम लोग 3 छोटे टेबल स्पून जो होते हैं उससे घी ले लिया हमने। और घी में सबसे पहले जो जाता है हमारे इंडियन रेसिपीज का देवता गरम मसाले, जिसे हम सबसे पहले डाल देंगे। ये गरम मसाले चले गए हैं और इसमें हरी मिर्च जाएगा। अब प्याज पहले डाल देना, हरी मिर्च पहले। हरी मिर्च इसलिए पहले डलता है ताकि ऑयल में हरा मिर्च का टेस्ट पूरी तरह से घुल जाए और वो फिर पूरे आप जो भी बना रहे हैं उसमें अच्छे से डले। तो इसको कब तक भूनना है? इसको हम लोग थोड़ा सा प्याज कलर चेंज कर ले, तब तक भूनेंगे। तो अभी इसे और फ्राई कर ले। बस वही चला, ये देखो ये प्याज जो है ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसमें जाएगा लहसुन पेस्ट। निकाल लिया है हमने तो लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट चला जाएगा इसमें। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं आप इस तरह। फिलहाल अभी पानी में डाल के हम लोग कुक कर रहे हैं। पानी में इसलिए डालते हैं ताकि सारा फ्लेवर आपस में प्रॉपरली घुल जाए और आपके कोई भी मसाले जले नहीं। नहीं तो क्या होता है, कुछ मसाले जल जाते हैं कुछ मसाले नहीं जलते, पकते नहीं। पानी डालना चाहते हैं सारा मसाला इक्वली पकता है। अभी आपको आपने क्योंकि लहसुन पेस्ट डाला है तो उसको प्रॉपर भूनना है। ये देखिए ये लहसुन पेस्ट अच्छी तरह से भून गया है। लहसुन पेस्ट अच्छी तरह से भूनने का अगर टेस्ट करना है तो आपको स्मेल पे ध्यान रखना होगा। खाना बनाने के लिए आपका स्मेल सेंस अच्छा होना चाहिए। लहसुन पेस्ट का स्मेल रॉ स्मेल चला गया, दैट मीन्स लहसुन पेस्ट अच्छी तरह से भून गया। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से है। अब इसमें हम लोग डालेंगे जो मिन्स चिकन था वो चिकन हम लोग डालेंगे, आज कम कर लेंगे। ये मिन्स चिकन डाल दिया, ये 600 ग्राम चिकन लिया था हमने। मिन्स चिकन डालकर इसमें सारे मसाले डाल देंगे हम लोग।
और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको एक मिक्स देना है। ध्यान रखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मोमेंट थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो जो फ्लेवर है वो पूरा का पूरा आपके मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जाए और चिकन भुन भी जाए। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना है, ग्रेवी जैसा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन हाफ कप। और फ्लेम कैसा रखना है? फ्लेम अभी मैं मिला रहा हूँ इसलिए लो पे रखा हूँ, बट फ्लेम को आप मीडियम हाई पे रख सकते। स्टार्टिंग के कुछ समय आपको मीडियम हाई रखना है, ये जब चिकन थोड़ा बहुत कलर चेंज कर देगा तो आप उसको चेंज करके लो पे करना है। वैसे आप नमक डालना तो भूल गए। नहीं भूले नहीं है। ये अभी देखो कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, ये इसमें हल्दी का भी कलर है और जो चिकन पका है उसका रेडनेस हट के और वाइटिश थोड़ा सा हो रहा है ना। अब इसमें नमक डलेगा, ये नमक स्वाद अनुसार डलेगा और नमक हम लोग चेंज किया ना, नॉर्मल नमक नहीं है ना। कौन सा नमक है? पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो ये पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा ये अपना है कस्तूरी मेथी मैं डाल रहा हूँ, बट इसको यूं ऐसा पाम पे रगड़ के फिर डाल रहा हूँ। हाथ पे रगड़ के क्यों डाला? उसका प्रॉपर खुशबू निकलता है उसका। आपका चिकन कीमा बनने में इतना टाइम लग रहा है कि मैंने इतने देर में रोटी भी बना के रेडी कर ली। अच्छी चीजों को बनने में टाइम ही लगता है। तो आपका अभी तक भुना ही रहा है और ये देखिए मेरा रोटी बन के रेडी है। ये अभी अच्छे से भुनना चालू हो गया है, ये ऑलमोस्ट 70% भुन चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे बटर। हाँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। अंदाजन क्या बता सकते हैं कितने देर तक इसको चिकन को इस तरीके से भूनना होता है? कीमा चिकन को पहले 20 मिनट तक आपको लो आंच पे भूनना है। आप देखो अभी आंच मैंने तेज कर दिया है, लो एक्चुअली लो नहीं, मीडियम जो मैंने बोला था, मीडियम हाई पे 20 मिनट और फिर 10 मिनट हाई फ्लेम पर बटर डालने के बाद। ये क्या, इसमें आपने और पानी डाल दिया? हाँ, इसमें कीमा बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, एंड में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और 5-7 मिनट अच्छे से उबाल आने दी और थिकनेस है वो आपको देखना है कि भाई आपके अनुसार से होना चाहिए। अब कि कुछ लोग को कीमा मसाला पसंद है, मतलब पूरा ग्रेवी ग्रेवी लिक्विड ही, कि कुछ लोग को एकदम सूखा कीमा पसंद है। कितना देर तक और पकाइएगा? ये रेडी हो गया है, ये देखो ये ऊपर पानी उजाउट हो रहा है तो उससे ना सोचना कि बहुत लिक्विड है, ये जैसे ही तुम मिलाओगी ये देखो पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये देख तो रहा है बहुत ही यमी और भूख भी बहुत तेज लग गया है। कीमा आपका रेडी हो गया, हम लोग गैस को बंद कर दें और ये हम लोग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया, अब चले खाने? नहीं, ओके। तो अब ये गार्निश कर लिया, अब तो चले खाने। दौड़ के तो फाइनली हमारा ये चिकन रेडी है और रोटी रेडी है, तो अब मैं जाती हूँ चिकन खाने। और आपको ये कैसा लगा रेसिपी ट्राई करके जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं चल रही हूँ खाने, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाय बाय।